वैसे भारत पहले ही कह चुका है कि कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान सैनिकों ने उन्हें अफगानिस्तान बॉर्डर से किडनैप किया था। पाकिस्तान हमेशा से ही इस मामले पर अड़ियल रवैया अपनाता रहा है। 2016 में शुरू हुई जाधव की कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कुलभूषण जाधव मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार तनातनी हुई। भारत इस मामले पर लगातार कहता आया है कुलभूषण जाधव जासूस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी से हर दावे को झुठलाने की कोशिश की। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुलभूषण जाधव की कहानी शुरू कैसे हुई। 3 मार्च 2016 कुलभूषण जाधव को ईरान से गिरफ्तार किया गया। हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। मार्च 2016 पाकिस्तान ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें जाधव ने भारतीय जासूस होने की बात कबूली थी। अप्रैल 2016 प्रांतीय बलूचिस्तान सरकार ने जाधव के खिलाफ दायर किए एफआईआर में आतंकवाद और तोड़फोड़ का आरोप लगाया। अप्रैल 2017 कुलभूषण जाधव को आतंकवाद और जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 18 मई 2017 को आईसीजे के 10 सदस्यीय पीठ ने मामले को स्थगित करने तक जाधव को फांसी देने से पाकिस्तान को प्रतिबंधित कर दिया था। जन सुनवाई के लिए 18 से 21 फरवरी की तिथि निर्धारित की थी। पाकिस्तान की संवेदनहीनता को दिखाने के लिए एक और घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल कुलभूषण का परिवार उनसे मिलने 2017 में पाकिस्तान गया था। तब उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया था। मुलाकात के दौरान जाधव और परिवार सीसीटीवी के निगरानी में थे और उनके बीच एक कांच की दीवार थी। जाहिर है कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने सभी नियम कानून को ताक पर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।